उसको आगे प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया गया है। विकसित भारत का संकल्प ये 2023 का 15 नवंबर का बिरसा मुंडा जन्म जयंती का दिन प्रधानमंत्री ने आपका देश का ऑल इंडिया का अल्पक सभी ऑफिसर कहीं ना कहीं वो ग्राम पंचायत में जाके विकसित भारत के बारे में चर्चा करे, डिस्कशन करे और उसमें मीटिंग करे। मैं उस प्रोग्राम में डायरेक्ट भाग लिया था और मैंने 25 दिन दिया था। 50 ग्राम पंचायत में मैंने जाके स्वयं बैठता था और उसमें वहाँ के जो अधिकारी कलेक्टर सब कलेक्टर ADM और कभी कभी कहीं कहीं सामने डेवलपमेंट डायरेक्टर्स लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ये सब बैठ के बाकी वहाँ का जितना गवर्नमेंट एजेंसी है आंगनबाड़ी से आशा कर्मी से CRP से लेके जो आप लोग थे मेडिकल का लोग एग्रीकल्चर का लोग ये सब आपस में वो कैसे क्या होगा इसके बारे में ये 350,000 ग्राम पंचायत में विकसित भारत का योजना का अभियान चला और इसमें भारत सरकार के बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें गए, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी गए। मैं तो 50 का काम नहीं किया, 25 दिन लगे से वजह से खाना पीना होगा और आपके दिन में आवेदन होगा आगे ऐसा करके होगा। 300 आपका जोधपुर 78 ग्राम पंचायत मेरा लोकसभा का था, मैं सब में उसमें मेरे बदलाव में 50 जगह मैंने किया था। 350,000 ग्राम पंचायत ये इंडिया का कवर हुआ था। अभी विकसित भारत का कल आपका जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था उस मीटिंग में मैं भी एक चीजें मेंबर था। अब नीति आयोग में आपका मुझेस का प्राय प्राय सब मुख्यमंत्रियों में उपस्थित थे, कुछ छोड़ के आवश्यक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे, प्लानिंग कमीशन के थे, बाकी इसमें से रिजोल्यूशन हुआ है वो रिजोल्यूशन कल कल आपने देख लिया होगा कि 2047 में तक मैंने 2047 तक जब हम 100 साल पूर्ति करेंगे तो हमारा गांव कैसा होगा उसके लिए रोड मैप तैयार हुआ, हमारा गांव कैसा होगा, हमारा शहर कैसा होगा, हमारा एरिया कैसा होगा उसके बारे में भी हुआ है। उस क्रम को फिट करते हुए ये बजट भी उसमें फिट हो रहा है। मैं बजट का एक एक बिंदु आपको डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज 5 स्कीम में होगा और टारगेट है 4.1 करोड़ यूथ को ओवर 5 ईयर्स में इसको स्किलिंग किया जाए। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्कीम 4.1 करोड़ लोगों को स्किलिंग किया जाएगा और उनको पैकेज के साथ दिया जाएगा और उसमें उसको दिया जाएगा। इसके लिए प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग 1.48 लाख करोड़ एलोकेटेड हुआ है, 1.48 लाख करोड़ हुआ है। 5 स्किलिंग स्कीम क्या क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में है। फर्स्ट टाइम जो जाएगा नौकरी करने सपोर्ट टू न्यू वर्क फोर्स उसके लिए भी इंसेंटिव है। बेनिफिट वन मंथ का वेज उसको दिया जाएगा और एडवांस उसको दिया जाएगा वर्क फोर्स के रूप में जो काम कर जाएगा। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके लिए क्या किया जाएगा, इंसेंटिव फॉर EPFO आपका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो एम्प्लॉई वो करेगा उसमें सरकार के आउटसोर्सिंग किया जाएगा और उसको 4 साल के लिए फास्ट एम्प्लॉयमेंट में 4 साल के लिए आपका उसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर जाता है। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम इसमें क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट करेगा एम्प्लॉय को ये आपका 3,000 पर मंथ और ये 2 साल EPFO में वो काम करेगा और उसके लिए आपका 1 लाख तक पर मंथ का उसका तो मैंने शेयरिंग में होकर जमा होगी इसके लिए काम किया जाएगा।
स्किलिंग इनिशिएटिव में आ गया है, कोलैबोरेटिव होगा, कोलैबोरेटिव मतलब उसको वेरियस एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा, उसमें वो सीखेगा कैसा सरकार चाहती है, मैंने सरकार को कंपनी चलाना पड़ता है, कैसे काम चलाना पड़ता है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना पड़ता है, और उसको इंटर्नशिप इसमें करेगा। जैसे आपका वकील बनने से पहले इंटर्नशिप भेजते हैं, डॉक्टर बनने से पहले इंटर्नशिप भेजते हैं, ऐसे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे उसमें इंटर्नशिप करने के लिए वो जाएंगे, और उसके लिए भारत सरकार आपका बेनिफिट देगा 1,000 करोड़ को देगा, 500 टॉप कंपनी को सिलेक्ट करके भारत सरकार बोलेगा यहाँ आपको पहले पता होगा मैं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, हम लोग पहले जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग को फैक्ट्री में ट्रेनिंग देते थे एकदम तो उसको PDP प्रैक्टिकल आप फैक्ट्री में जाते थे तो उस समय में स्टाइपेंड 340 रुपये का था मेरे याद, तो उसको भारत सरकार हम लोग 7,488 करोड़ रुपये बजट के लास्ट ईयर का था, 73% ग्रोथ है मेरा मंत्रालय का, और इस साल 13,000 करोड़ का हम लोग का स्कीम में खर्चा होगा, ये केवल स्कीम का बारे में, बाकी के बारे में अलग होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये 63,000 गाँव को हम लोग चिन्हित करेंगे, ये ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग कर चुके हैं, PVTG जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है इस ग्रुप को 73 ऑल इंडिया में जो PVTG चिन्हित है उसमें से हम लोग पूरा फुल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ काम कर चुके हैं, अभी इसके लिए हम लोग 63,000 गाँव में उस गांव का जो आवश्यक होगा, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, आपका मेडिकल का फैसिलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हो या एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट है ये सब वहाँ किया जाएगा, उसके बारे में 63 जो विलेज है ये सब ऑलमोस्ट आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का गांव सब है, 63,000 गाँव है उसको चिन्हित करके उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड ये सब को किया जाएगा। और सिग्निफिकेंट बजट ग्रोथ हुआ है हमारा उसमें, आउट में एक लोग मॉडल रेसिडेंशियल ये एक नया स्कीम है, वैसे तो पुराना स्कीम है, मैं जब पहला मंत्री था 99 में उस समय में हम लोग 100 एक लोग मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मंजूर हमको प्लानिंग कमीशन ने सुनता दिया था, उसमें हम लोग 84% है, बाकी अरुण जेटली के बजट भाषण में उनका बताया कि हम लोग 20,000 से ज़्यादा जहाँ एक ब्लॉक में ड्राइवर पॉपुलेशन है वहाँ हम एक लोग तो मॉडल रेसिडेंशियल 6 क्लास से 12 क्लास तक टोटल फ्री फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इसको हम बनाएंगे, उस समय में उसका कंस्ट्रक्शन और हमारा एक एक का 5 करोड़ बढ़ गई, 10 करोड़ हुआ, 12 करोड़ हुआ, अभी कुछ कुछ एरिया में हम 48 करोड़ के स्कूल यूनिट के लिए दे रहा है, ये हमारा 740 बनाना था लेकिन क्योंकि पुराना कवर कुछ हो गया है आपको मैपिंग में थोड़ा इधर उधर रहा ये हम 728 बना 728 ये आपका केंद्रीय विद्यालय संस्थान से बड़ा होगा और ये आपका सैनिक स्कूल से संस्थान से भी बड़ा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय का संस्थान से भी बड़ा होगा, और इसके लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल NESP ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसका काउंसिलर हम बैठा चुके हैं मैंने वो है ऑलरेडी, हम 10,000 टीचर्स का अपॉइंटमेंट इसमें हम कर चुके हैं और आगे इसको हम बढ़ाएंगे, इसके लिए एक्सक्लूसिव 6,399 रुपया इसके लिए बजट में अलग से एलोकेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को हम लोग को सपोर्ट करते हैं, कहीं कहीं हम जहाँ पहुँच नहीं पाते अच्छा अच्छा वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, भारत सेवा है, बहुत सारा है ऐसा और तो उससे हुआ है, तो इनके लिए इस साल का बजट में हम लोग 160 करोड़ वो पैसा आजकल ये सब ऑनलाइन हो गया है, ये इसको फिर पहले जो पैसा बना के इसको ले लेता था ये पैसा ऐसा नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन है, प्लस
स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, मैंने कलेक्टर और सब कलेक्टर वहाँ का ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेंगे यस इस ऑर्गेनाइजेशन जो पार्किंग प्रॉपर्टी वो सर्टिफिकेट देने से भी उसको नेक्स्ट ईयर का मिलता है। ऐसे आपका एडिशनल प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जन